दोस्तों, क्या आपको पता है कि रावण को मारने वाला कौन सा अस्त्र था और उस अस्त्र का क्या नाम था? चलिए दोस्तों जानते हैं। जैसे बताया जाता है कि शास्त्रों के अनुसार रावण को मारने के लिए जिस अस्त्र का इस्तेमाल किया जाता था वह दिव्यास्त्र था, जो विभीषण ने भगवान श्री राम जी को इस अस्त्र की जानकारी दी थी। और ऐसा माना जाता है कि यह अस्त्र ब्रह्मा जी ने रावण को दिया था और इस अस्त्र को रावण की पत्नी मंदोदरी के कक्ष में छुपाया गया था। इस अस्त्र को पाने के लिए हनुमान जी ने वज्र ब्राह्मण का रूप धारण किया था और मंदोदरी के कक्ष में छुपाए गए थे। वहां जाकर हनुमान जी ने मंदोदरी से कहा कि विभीषण ने राम जी के दिव्यास्त्र के बारे में बता दिया है, तो आपके कक्ष में रखा है। यह सब उन्होंने वज्र ब्राह्मण का भी धारण किए वे भी बोला था और मंदोदरी से उसे कहीं और छुपाने के लिए बात बोलते हैं। तो हनुमान जी ये बात सुनकर मंदोदरी घबरा गई और तुरंत उस स्थान से अस्त्र निकाल लिया और हनुमान जी से अपने ही रूप में आ गए। उन्होंने मंदोदरी से वे अस्त्र छीना और आकाश मार्ग की ओर निकल गए, जिससे धनुष से रावण का वध हुआ था। भगवान श्री राम हमेशा अपने पास रखते थे और अस्त्र का नाम था कुंदन कहा जाता है और इसे सिर्फ राम ही धारण कर सकते थे। दोस्तों, क्या आपको इससे पहले रावण को मारने वाला अस्त्र के बारे में जानकारी पता थी? तो कम सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इफेक्ट जानने के लिए प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।